नमस्कार मित्रों, मैं पंडित उमाशंकर अग्निहोत्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं समस्याओं का समाधान। जी हां मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो सकें और उनका जीवन सुखदमयी बना रहे। तो मित्रों आइए जानते हैं, रत्नों का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है क्योंकि रत्नों का संबंध सीधे ग्रहों से होता है और हमारा जीवन चक्र भी हमारे ग्रहों के अनुरूप ही चलता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यक्ति के भविष्य के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। इसलिए अपनी राशि के अनुसार यदि हम सही रत्न धारण करें तो अपने भविष्य को काफी हद तक सुधार सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्नों में इतनी शक्ति होती है कि रत्न व्यक्ति के भाग्योदय कर सकते हैं, लेकिन आपने यदि गलत रत्न धारण कर लिया तो आपको इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यदि आपको रत्नों की सही जानकारी नहीं है तो रत्न ना पहने। मित्रों अब आइए जानते हैं कर्क राशि कौन सा रत्न धारण करें। तो मित्रों कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्र हैं और ग्रह चंद्र का रत्न मोती होता है, इसलिए कर्क राशि के जातकों को मोती पहनना चाहिए। कर्क राशि के जातक यदि सफेद मोती रत्न धारण करते हैं तो इससे उन्हें मानसिक तनाव से शांति मिलती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और विभिन्न सुख सुविधाएं एवं लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। मोती रत्न चंद्र ग्रह का रत्न है और इसलिए चंद्र ग्रह को बल प्रदान करता है, इसलिए मोती रत्न पहना जाता है। मोती समुद्र से सीप के मुंह से प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में सफेद मोती को सबसे उत्तम माना जाता है। मोती रत्न को दाहिने हाथ की अनामिका या कनिष्ठ का अंगुली में सोमवार को सुबह स्नान करने के बाद धारण कर लें। इससे आपके जीवन में हर परेशानियां दूर होंगी और आपका हर कार्य हर क्षेत्र में बरकत प्राप्त होने लगेगी।